नमस्कार दोस्तों रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले कंपनी के बारे में जिसका नाम है फ्यूचर रिटेल तो फ्यूचर रिटेल को लेके बहुत ही बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं तो यहाँ पे उस न्यूज को कवर करने वाले लेकिन वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्लेमर कोई भी स्टॉक लेते हैं तो खुद का स्टडी जरूर कीजिए तो जैसे कि जो फ्यूचर रिटेल हो या फिर जो फ्यूचर ग्रुप की सभी के सभी कंपनी है जैसे कि फ्यूचर कंज्यूमर फ्यूचर रिटेल फ्यूचर लाइफ फ्यूचर सप्लाई फ्यूचर एंटरटेनमेंट ये कंपनी बैंक हो चुकी है और एन में इसके ऊपर केस चल रहे तो यहाँ पे आगे जाके जो फ्यूचर रिटेल है बच सकते हैं लेकिन उसके लिए अलग अलग यहाँ पे कंडीशन रहेंगी आप लोगों को पता रहेगा क्योंकि इन्होंने क्या किया था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारा कर्जा लिया था बैंक से लेकिन उनका बिजनेस चला नहीं इसके से बैंक का पैसा डूब गया तो बैंक से अपना पैसा मांगने के लिए कहाँ पर चलेगी बैंक्स मांगने के लिए गई कोर्ट में तो कोर्ट में अभी तो फिलहाल यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के अंगेस्ट को केस चल रहा है तो आगे जाके फॉर द एग्जाम्पल कोई बड़ी कंपनी आते और फ्यूचर रिटेल को एन थ्रू खरीद लेते तो मे भी स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी रैली ले सकती है सकते और शेयर होल्डर का फायदा हो सकता है अगर कॉर्पोरेशन में उनको एक के बदले एक शेयर मिलता है तो लेकिन ऐसा नहीं होता है तो उनका पैसा डूब भी सकता है ये तो होगा एक रिस्क और रिवॉर्ड तो जैसे कि यहाँ पे बीच में आपने देखा रहेगा जो रिलायंस इंडस्ट्री इन्होंने क्या किया था फ्यूचर रिटेल के ऊपर बीड लगाई थी लगभग चौबीस हज़ार करोड़ का डील होने वाला था लेकिन बीच में अमेजन आ गया अमेजॉन आने के बाद जो पुराना डील था वो कैंसिल हो चुका है और नया यहाँ पे फ्रेश बीड लगाने की की जा रही तो आज का जो ब्रेकिंग न्यूज है इसी के ऊपर है जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं यहां पे थर्टीन कंपनीज एंटर इन फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायस फॉर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड तो इससे पहले हमने एक न्यूज़ देखा था पिछले हफ्ते लगभग पंद्रह से ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के ऊपर बेड लगाने की कोशिश की थी उसमें से थर्टीन कंपनीज है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो गए फाइनल लिस्ट के लिए तो बहुत ही बड़े न्यूज़ है उसमें कौन कौन सी कंपनी आप लोग पढ़ सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री है अदानी ग्रुप की कंपनी है उसके बाद इसके अलावा ग्यारह कंपनीज है उनके भी नाम आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे कैपरि ग्लोबल होल्डिंग्स उसके बाद शालीमार कॉप ऐसे बड़े बड़े जो भी यहाँ पे एपीएमसी से सेक्टर में कंपनियाँ काम करते हैं या फिर रिटेल सेक्टर में कंपनियाँ काम कर रहे इन्होंने यहाँ पे बिड लगाने की कोशिश करे तो ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री या फिर अदानी ग्रुप की जो कंपनी में भी एक्वायर करने के चांसेस है तो बहुत ही बड़े न्यूज है आगे जाके देखना पड़ेगा और इस डील को कंप्लीट करने के लिए जो स्टेक होल्डर का यहाँ पे अप्रूवल या फिर जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहता है ये भी मिल चुका है यहाँ पे दस नवंबर को एक भी न्यूज आया था तो आगे जाके अगर यहाँ पे डील होता है और कार्पोरेशन में एक के बदले एक शेयर मिलता है पुराने शोल्डर को तो मैं भी आपको एक बहुत ही बड़ी लॉट ले सकते हैं कि स्टॉक लगातार अपर सर्किट में भाग सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता है कॉर्पोरेशन में एक के बदले जीरो शेयर मिलता है तो आपका जो पूरा कैपिटल है बिल्कुल जीरो हो सकता है जैसे कि सिंटेक्स इंडस्ट्री में हुआ था उसके बाद आपने देखा रहेगा डी दे चप्पल में था तो ऐसे अलग अलग कंपनी में बैंक्रप्ट होने के बाद शोल्डर का बहुत सारा नुकसान हो चुका है तो यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड का रेशियो अभी तो फिलहाल सेम है अगर आप पुराने शोल्डर रहेंगे तो आप इस स्टॉक में कुछ कर नहीं सकते अभी तो फिलहाल ट्रेडिंग बंद है हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ट्रेडिंग होता है क्योंकि कंपनी का स्टॉक है आई आर स्टेज वन में डाला गया तो कोई भी कंपनी आई आर स्टेज वन में जाती है तो सिर्फ मंडे के दिन इसका ट्रेडिंग स्टार्ट होता है ये तो था आज का ब्रेकिंग न्यूज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं